अपने परिवार के एकमात्र सैनिक नहीं है विंग कमांडर अभिनंदन। वीरों से भरा है विंग कमांडर अभिनंदन का पूरा परिवार। भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान दुश्मन की कैद से अपनी धरती पर लौट आए हैं। उनके पाकिस्तानी सेना के हाथों पकड़े जाने की खबर आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग जल्द से जल्द उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। अपने बहादुर पायलट अभिनंदन की वापसी की खबर से ही पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया है। हर ओर उनके बहादुरी की चर्चा हो रही है। लेकिन अभिनंदन अपने परिवार में पहले ऐसे शख्स नहीं है जिसने देश का नाम रोशन किया है। फाइटर पायलट अभिनंदन चेन्नई शहर से आते हैं। अभिनंदन पूर्व फाइटर पायलट के बेटे हैं। उनके पिता शिमहकुट्टी वर्धमान एयर मार्शल थे। उनके पिता विशिष्ट सेना मेडल से सम्मानित हो चुके हैं। अभिनंदन के भाई भी भारतीय वायु सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनंदन की पत्नी का नाम तन्वी मारवाह है। तन्वी भी एयरफोर्स में बतौर स्क्वाड्रन लीडर अपनी सेवाएं दे चुकी है। साथ ही उनके दादा भी एयरफोर्स में काम कर चुके हैं। उन्हें 16 साल का अनुभव है। तन्वी और अभिनंदन का तविश नाम का एक बेटा भी है। अभिनंदन 2000 में स्कूली शिक्षा पूरी करने के तुरंत बाद एनडीए में गए थे। 2004 में फाइटर पायलट के रूप में वो वायुसेना में शामिल हुए। MiG-21 उड़ाने से पहले वो सुखोई 30 MKI के पायलट थे। मई 2011 में वायुसेना के सुखोई 30 MKI पर एक टीवी डॉक्यूमेंट्री में शो के आयोजक ने अभिनंदन से पूछा था कि सुखोई 30 का पायलट बनने के लिए क्या जरूरी है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, बैड एटीट्यूड। तब वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। उन्होंने कहा था कि हमें जो ट्रेनिंग मिली है वही काम आती है। अभिनंदन के इरादे कितने फौलादी थे इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुश्मन के कब्जे में होने के बावजूद उन्होंने अपने मिशन से जुड़ी जानकारी नहीं बताई। पाकिस्तान की कैद में होने के बावजूद अभिनंदन के चेहरे पर निडरपन झलक रहा था। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान को 27 फरवरी को पाकिस्तानी सेना ने उस वक्त कैद कर लिया था जब पाकिस्तान का विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर POK में गिर गया। लेकिन देश का ये वीर सपूत अब पाकिस्तान की कैद से छूटकर अपने वतन आ गया है। जाहिर है उनकी सकुशल वतन वापसी से ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।